दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कोरोना के बाद अब डेंगू भी हो गया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक मनीष सिसोदिया के प्लेटलेट्स लगातार गिर रहे हैं। वो बुधवार को बुखार और गिरते ऑक्सीजन स्तर के बाद एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती हुए थे। मनीष सिसोदिया 14 सितंबर से कोरोना पॉजिटिव हैं। बता दें कि 14 सितंबर को उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने खुद ट्वीट कर संक्रमित होने की जानकारी दी थी। उप मुख्यमंत्री ने बताया था कि हल्का बुखार होने के बाद उन्होंने कोरोना का टेस्ट करवाया था और उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया था। इससे पहले जून में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को कोरोना संक्रमण हुआ था। जैन को कोविड संक्रमण से तबीयत बिगड़ जाने के बाद साकेत के मैक्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में सत्येंद्र जैन की प्लाज्मा थेरेपी हुई थी। सत्येंद्र जैन को 14 जून की रात तेज बुखार और सांस लेने में दिक्कत होने पर राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। 15 जून की सुबह उनका कोरोना टेस्ट किया गया और तब उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई थी। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज यानी 24 सितंबर को दावा किया है कि राष्ट्रीय राजधानी में न सिर्फ कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर चल रही है बल्कि उसका पीक भी गुजर चुका है। उन्होंने ये दावा विशेषज्ञों के हवाले से किया। अगर ऐसा है तो भारत में पहली बार किसी राज्य में कोरोना की दूसरी लहर सामने आई है। बता दें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के एक कार्यक्रम में केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली पहले ही कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि इस महीने दिल्ली में अचानक कोरोना के केस बढ़ने लगे और रोजाना 4000 से ज्यादा मामले सामने आने लगे। दरअसल वो इसकी दूसरी लहर थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेषज्ञों को लगता है कि दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर का पीक गुजर चुका है। केजरीवाल ने आगे कहा कि 16 सितंबर को दिल्ली में करीब 4500 से अधिक मामले सामने आए थे। उसके बाद मामलों में गिरावट की शुरुआत हुई और पिछले 24 घंटों में 3700 केस सामने आए। आने वाले दिनों में ये संख्या और गिरेगी। बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में दिल्ली देश में पांचवें पायदान पर है। यहां अब तक संक्रमण के 256,789 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। बता दें कि दिल्ली में मार्च में कोरोना का पहला मामला सामने आया था। बाद में यहां संक्रमण इतनी तेजी से फैला कि दिल्ली महाराष्ट्र के बाद दूसरा सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य बन गया था। हालांकि जुलाई में स्थितियों में काफी सुधार हुआ और तब रोजाना 1000 से 1500 केस आ रहे थे। सितंबर में अचानक दिल्ली में कोरोना के केस तेजी से बढ़ने लगे। 16 सितंबर को यहां 4473 मामले सामने आए, जो राष्ट्रीय राजधानी में किसी एक दिन में संक्रमण का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।